हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इफेक्टिव मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। ओके, इफेक्टिव मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट मींस बेसिकली इसका मतलब ये है कि हम नॉन हैज़र्डस वेस्ट, हैज़र्डस वेस्ट और टॉक्सिक वेस्ट को कैटेगराइज करें, सेग्रीगेट करें या एक दूसरे से सेपरेट करें, क्योंकि जो इन्फेक्शन जो मेडिकल वेस्ट होता है वो डिफरेंट जो है पार्ट्स, डिफरेंट टाइप्स के वेस्ट पे कंसिस्ट करता है। तो फर्स्ट स्टेप इसका, इसकी मैनेजमेंट का जो फर्स्ट स्टेप है वो ये है कि हम इसको सेग्रीगेट करते हैं। सेग्रीगेशन मींस सेपरेशन। तो इसमें फर्स्ट कैटेगरी हमारे पास है नॉन हैज़र्डस सॉलिड वेस्ट। अब जो नॉन हैज़र्डस है मींस के इससे कोई हमें ख़तरा वगैरह नहीं होता, इस बेस पे इनको कोई हेल्थ इश्यूज का ख़तरा इससे नहीं होता, तो इस बेस पे इसको नॉन हैज़र्डस सॉलिड वेस्ट कहते हैं। अब जो नॉन हैज़र्डस सॉलिड वेस्ट है इसको हम ट्रीट करते हैं एज सेम एज डोमेस्टिक वेस्ट, मींस के इसको हम जिस तरह डोमेस्टिक वेस्ट होता है हमारे लिए नॉन हैज़र्डस होता है, सिमिलर केस जो है अगर मेडिकल वेस्ट भी है लेकिन अगर वो नॉन हैज़र्डस की कैटेगरी में आ रहा है तो उसको हम सेम ट्रीट करते हैं एज डोमेस्टिक वेस्ट। अब सेग्रीगेशन का जो बेनिफिट है वो ये है कि रिड्यूसेस वेस्ट क्वांटिटी, से सेग्रीगेशन से हमारे पास वेस्ट क्वांटिटी रिड्यूस हो जाती है, कॉस्ट रिड्यूस हो जाता है उसकी प्रोसेसिंग का। रिस्क फ्रॉम एंड टू स्केवेंजर्स, मीन्स के जो वर्कर्स होते हैं और स्केवेंजर्स होते हैं जो वेस्ट वगैरह उठाते हैं, तो उनको भी जो है सेग्रीगेशन से उनको ये फ़ायदा होता है कि आइडेंटिफाई हो जाते हैं वेस्ट के ये हैज़र्डस है या नॉन हैज़र्डस है, किस कैटेगरी का है, तो उनको जो है रिस्क, हेल्थ रिस्क भी उनके लिए कम हो जाते हैं। और इसके अलावा जो है सेग्रीगेशन का एक फ़ायदा ये भी है कि जो मटेरियल्स होते हैं वो हम क्या करते हैं कि मैनेज एज क्लोज टू द पॉइंट ऑफ जनरेशन एज पॉसिबल, मीन्स कि जहाँ पे ये जनरेट होते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि उनको ट्रीट करें, मैनेज करें जहाँ पे ये जनरेट हो रहे हैं, तो ये जो है इनकी सेग्रीगेशन का फ़ायदा होता है। अब सेकंड टाइप जो है वो शार्प्स हैं। अब शार्प्स को भी जो है हम फिर क्या कर देते हैं, सेग्रीगेट कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं। अब जो शार्प को हम सेपरेट करके जो है इसको इसको स्टोर करते हैं या डिस्पोज ऑफ करते हैं, तो इसके लिए हम फिर क्या करते हैं, यूज़ रिजिड पंचर्ड एंड लीक प्रूफ कंटेनर्स, जिस तरह फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को इस इमेज में नज़र आ रहा है, तो इसके लिए हम सॉलिड लीक प्रूफ कंटेनर्स को यूज़ करते हैं कि वो लीक प्रूफ हो, से कोई लीकिंग वगैरह ना होना सॉलिड हो। और आइडियली उसका कलर किस तरह होता है कि रेड होता है, जो इंडिकेशन करता है प्रॉपरली वो मार्क्ड होता है सिंबॉलिक, उस पर जो है वो सैम्बल्स वगैरह लगे होते हैं मार्क्स, तो उसकी आइडेंटिफिकेशन इजीली हमें होती है कि ये शार्प्स की कैटेगरीज का है या शार्प इसमें हमने रखने हैं, और या उस पर लिखा भी होता है मार्क एज शार्प, और प्रॉपरली हम इसको क्या करते हैं, मॉनिटर करते हैं। इसके अलावा जो थर्ड कैटेगरी है सेग्रीगेशन में वो है इन्फेक्शियस वेस्ट। तो इन्फेक्शियस वेस्ट को जिससे हमें ख़तरा भी होता है इन्फेक्शन का, या हम उसको हेल्थ हैज़र्ड होते हैं, एक्सपोज हो सकते हैं इन्फेक्शन को, तो उसको हम डबल बैग्ड शॉपर्स वगैरह में बंद करके उसको डिस्पोज ऑफ करते हैं, और जब उनको हम उसको डिस्पोज करते हैं तो हार्ड एक्सटेरियर कंटेनर, जिन ये भी हार्ड होते हैं, उनका एक्सटेरियर हार्ड होता है जिसमें फॉर एग्जाम्पल कैन या प्लास्टिक बकेट्स वगैरह हम यूज़ करते हैं, और इसके ऊपर सरफेस पे प्रॉपरली एक लिड लगा होता है, ये भी प्रॉपरली जो है वो मार्क्ड होते हैं सैम्पल्स, इस पे बायोहैज़र्ड सैम्पल्स लगे होते हैं, और इसका जो कलर है वो येलो और रेड दोनों पैकिंग में ये होते हैं जिन कंटेनर्स में इसको हमने रखना है, डिस्पोज ऑफ करना है, तो उसका कलर येलो या रेड दोनों टाइप का हो सकता है। अब इसके बाद हम क्या कर देते हैं, सेग्रीगेशन हमने इनको कैटेगराइज कर लिया,
अब उसके बाद जो है हम इनकी कलेक्शन और स्टोरेज करते हैं। तो कहते हैं कि ये जो मेडिकल वेस्ट है, इस वेस्ट एक्युमुलेशन को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसकी कलेक्शन करते हैं रेगुलर बेसिस, यानी रेगुलर बेसिस पे उनको हम कलेक्ट करते हैं ताकि ये ज़्यादा टाइम तक जो है पड़ा ना रहे या लार्ज क्वांटिटी में जमा ना हो, क्योंकि इससे इन्फेक्शन वगैरह का या हेल्थ हैज़र्ड का ख़तरा होता है। और प्रॉपरली उसको हम क्या कर देते हैं, एक स्टोरेज सेंट्रल स्टोरेज एरिया होता है जहाँ पे हम उनको ट्रांसपोर्ट करते हैं विद इन हेल्थ केयर फैसिलिटी, मीन जो भी हेल्थ केयर फैसिलिटी होता है, हॉस्पिटल वगैरह होते हैं या रिसर्च लैब वगैरह होते हैं, तो उधर जो है हम एक सेंट्रल एरिया में हम इसको क्या कर देते हैं, इनकी कलेक्शन करते हैं, यानी ट्रीटमेंट या रिमूवल से पहले उनकी एक खास एरिया में हमने कलेक्शन करनी है। जहाँ पे इनकी कलेक्शन हमने करनी है तो हमने स्पेसिफिक रूट्स को फॉलो करना होता है, यानी स्पेसिफिक रूट के थ्रू हम उस जो सेंट्रल फैसिलिटी है जहाँ पे हमने इनको स्टोर करना है, तो उधर हमने इनको एक स्पेसिफिक रूट्स के थ्रू लेके जाना होता है। अब जो कार्ड्स हम इनके लिए यूज़ करते हैं वेस्ट को कलेक्ट करने के बाद स्टोरेज की तरफ ले जाने के लिए, जो कार्ड्स यूज़ करते हैं ना, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, वो ये हैं कि इजी टू लोड एंड अनलोड, यानी मींस इसको हम लोड करने और अनलोड करने के लिए जो है हम उन कंटेनर्स का यूज़ करते हैं जो, या कार्ड्स का यूज़ करते हैं जो हम जो है उसको इजीली हैंडल कर सके, अनलोड या लोड कर सकें। सेकंड जो है नो शार्प एजेस, उनके एजेस जो हैं जो साइड्स हैं ये शार्प नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे जो है डैमेज हो सकता है, बैग्स जो वेस्ट बैग्स हैं कंटेनर्स हैं वो डैमेज हो सकते हैं, या इवन जो वर्कर्स हैं उनको भी जो है से डेंजर होता है कि कहीं कट्स वगैरह या प्रिक्स वगैरह ना लग जाएं। थर्ड जो है इजी टू क्लीन, मीन्स क्या इसको हम इजीली क्लीन भी कर सकते हो, तो ये कुछ इनकी प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। इसके अलावा जो हेल्थ केयर वेस्ट है इसको हम टेम्परेली यानी टेम्परेरी तौर पे हम इसको स्टोर करते हैं बिफोर बीइंग ट्रीटेड, यानी डिस्पोज ऑफ करने से या ट्रीट करने से पहले हम इसको टेम्परेरी स्टोर कर देते हैं, और उसके बाद जो है हम इनको ऑन साइट या ऑफ साइट जो है वो क्या कर देते हैं, प्रोसेस कर देते हैं, डिस्पोज ऑफ कर देते हैं या ट्रीट करते हैं। और कहते हैं कि तकरीबन मैक्सिमम स्टोरेज टाइम इनके लिए 24 आवर्स तक होना चाहिए, इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हैज़र्डस होता है, तो जाहिर सी बात है कि इनका इफ़ेक्ट होता है हमारे हेल्थ के ऊपर ना, तो 24 आवर्स में हम इनको क्या कर देते हैं, इनको कलेक्ट करके प्रोसेस कर देते हैं, आगे डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। और जो नॉन रिस्क जो है हेल्थ केयर वेस्ट है शुड ऑलवेज बी स्टोर्ड इन सेपरेट लोकेशन, मींस कि अगर फॉर हमारे पास टू टाइप्स का है, एक टाइप जो है वो उनका कोई रिस्क वगैरह नहीं है, मींस नॉन हैज़र्डस है, और दूसरा हैज़र्डस है, हैज़र्डस और नॉन हैज़र्डस वेस्ट को हमें सेपरेट रखना चाहिए, क्योंकि इससे क्रॉस कंटेमिनेशन का भी ख़तरा होता है, मींस कि जो नॉन हैज़र्डस है अगर वो हैज़र्डस के साथ हम रखेंगे तो क्रॉस कंटेमिनेशन हो सकती है, तो इसको हमने सेपरेट रखना है टू अवॉइड क्रॉस कंटेमिनेशन। ओके, थैंक यू सो मच, सी यू, अल्लाह हाफिज़।